thank you अंबानी परिवार में खुशी का माहौल और इस माहौल के बीच खासतौर तो पे आप जामनगर के विजुअल्स देख रहे हैं जामनगर के चांदी बाजार के ये विजुअल्स जहाँ पे ख़ासतौर तो पे कई सारे लोग हैं आपको खरीदी करते हुए नजर आएंगे और ये खरीदी हो रही है जामनगर की बहुत ही फेमस प्रख्यात बांधनी की यहाँ की बांधनी की जो साड़ी है वो खासतौर तो पर कई सारे लोग हैं यहाँ से खरीद कर ले जा रहे हैं गिफ्ट करने के लिए भी विशिष्ट प्रकार से बांधनी का जो बाज़ार है वो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से अंबानी परिवार ने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को लेकर के ट्रेडिशनल जो थीम रखी है उसको लेकर के जामनगर के बाजार में भी क्रेज़ आया है मेरे साथ व्यापारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे मुझे बताइए खासतौर पर यह बंदेज जो है जिसको बांधनी बोलते हैं कैसी मतलब लोग पसंद करते हैं किस तरीके से उसकी वैरायटी है और अंबानी परिवार ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को रखते हुए यहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज की उसके बारे में भी कुछ बताइए क्या इफेक्ट हुआ है आपकी बिक्री में नहीं बांधनी जो है वो एकदम हंड्रेड परसेंट हैंडमेड है और ये वर्ल्ड फेमस आर्ट है हाँ. इसका वर्ल्ड फेमस में समाज हुआ है इसका जी आई टेक भी मिला हुआ है तो सबसे बेस्ट काम जामनगर में होता है और जामनगर के अंदर अगर अंबानी परिवार ने जो शादी रचाई है उसके अंदर जो ट्रेडिशनल जो थीम है उसके अंदर बांधनी है वो सबसे ज्यादा जा, लोग पहनना चाहेंगे सबसे ज्यादा लोग खरीदना भी चाहेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ से वो अपने गिफ्ट लेना भी चाहेंगे दूसरा सालों से कोकिला बिन और नीता अंबानी ये भी ये इसका बांधनी का है उसको बहुत अच्छा ज्ञान भी है और बहुत बारीकाई से उसने काम भी देखा है कारीगरों के पास और उसको सबसे ज़्यादा ये जो आर्ट है उसके अंदर विशेष रुचि भी दर्शाई है और विशेष रुचि है जामनगर में ऐसा माहौल कभी आपने देखा था दिवाली के दिन हो या फिर कोई फेस्टिवल हो और इस तरीके से जब बिक्री हो रही है क्या महसूस कर रहे हैं आप जामनगर के अंदर इससे पहले इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ है क्योंकि ये इवेंट इंटरनेशनल लोग इसमें आ रहे हैं भारत में से काफी लोग आ रहे हैं इतना बड़ा इतना एक साथ कभी हुआ नहीं है इससे पहले तो सबसे ज्यादा माहौल अभी अभी इतिहास में जो मेरा एक्सपीरियंस है पचास साल का इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो माहौल है वो हुआ है अच्छा मुझे बताइए कि तैयारी आपने कैसे की है जैसे इसका हमको पता चला कि भाई यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होने वाला है तो हमने अपने तरफ से जो ट्रेडिशनल बांधनी के अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो काफ़ी करके रखा है और ट्रेडिशनल का हमने वो ज़्यादा ध्यान दिया है और डाइंग के अंदर पेस्टल कलरों में जो अभी नए कलर है हाँ। उसके उसी के ऊपर हमने फोकस करके काफ़ी सारी चीज़ एकदम एक्सक्लूसिव करके बनाई है हमने अपने कारीगरों से भी बताया है कि भाई ये विशेष माल बनवाना है विशेष ध्यान से करवाना है उसको जो भी उसको जरूरत है वो हमने पूरा किया है और उसके अंदर हमने बहुत सारी तैयारी की है अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक आपसे आप बांधी ली है मेहमानों की बात कर, की जाए या अमानी परिवार से बात की जाए तो उनके मेहमानों ने भी शायद यहाँ पे कांटेक्ट किया होगा क्योंकि आपकी दुकान तो सबसे ज्यादा पुरानी है आपने बोला पचास साल से आप यहाँ पे काम कर रहे तो हाँ हमेरा दुकान काफी साल से पुराना है सो सौ साल से ज्यादा हमे शोप को हुआ है अभी बाहर से लोग सर्च भी करते हैं तो हमारा नाम उसमें आता है तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरी आई कि हमको ऐसा बांधनी चाहिए कि जो यहाँ का सबसे फेमस हो इसके अंदर जो राई राईबेज बोलते हैं उसी का डिमांड है उसी का हमने फोकस किया है और उसी का चीज़ हम उसको बनवा के दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने वो भी बताया कि हम कैसे भाई ये काम करेंगे यहाँ तो नहीं आ सकते तो हमने एक सुविधा रखी है कि हम वीडियो कॉल से आपको बताएंगे वीडियो कॉल से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके जरिए यहाँ से हम पहुँचा पोँच, देंगे बाई अच्छा, कुरियर अच्छा कई सारे फॉरनर्स ने भी यहाँ से खरीदी की है हाँ काफी सारी इंक्वायरी बाहर से भी आई है मेरे पास जो उसको हमने यहाँ पे उसने परचेस भी किया है और हमने उसका का गाइडेंस भी दिया है कि भाई यहाँ का ट्रेडिशनल कौन सा होता है कलर कौन सा ट्रेडिशनल होता है उसको जो पता नहीं था वो सब कुछ उसको बताया है आपने कितने महीने से ये तैयारी की थी हमने जब ती, दो, हाँ, दो तीन महीने से तीन महीने से पहले से हमने ये तैयारी की है क्योंकि हमको ऐसा लग ही रहा था कि भाई यहाँ पे इवेंट होगा तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके का कलेक्शन है और इसी कलेक्शन के चलते बने लोग ऑनलाइन भी यहाँ से बुकिंग करवा रहे हैं कई सारे लोग हैं ट्रेडिशनल लुक में ट्रेडिशनल थीम में यहाँ पे खासतौर पे अंबानी परिवार में देखने को मिलेगी तो ज़्यादातर बांधनी है उसका क्रेज जामनगर में सबसे ज़्यादा है और जामनगर ये ये पहचान है तो ये पहचान के जरिए खासतौर तो पर लोग है कुछ अलग करना चाहते हैं ट्रेंडिंग लुक करना चाहते हैं और इसी की वजह से जो जो परिवार के लोग होंगे और उसके साथ खासतौर पे जो यहाँ पे भी नहीं रहते और परिवार के जो शादी प्रसंग उसमें शामिल भी नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो यहाँ से वीडियो कॉल करके बांधनी खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ दीपिका कुमार न्यूज़ एटी नेटवर्क जामनगर